We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them. जिला मुख्यालय हमीरपुर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। हमीरपुर में आज उपायुक्त के निर्देश पर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी व तहसीलदार हमीरपुर की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण कर नियमों की अवहेलना करने वाले रेहड़ियों को जब्त किया तथा नालियों के बाहर सामान लगाने वाले दुकानदारों को सामान अंदर करने की हिदायत भी दी। नगर परिषद हमीरपुर ने हमारे तहसीलदार साहब साथ में पुलिस हमीरपुर की मदद से आज हमीरपुर नगर परिषद ने कार्रवाई की है। जिन्होंने भी अतिक्रमण किया था, जो भी रेडी हैं, जिन्होंने कि नालियों के ऊपर कवर कर रखा है, नालियों के ऊपर दूषित कर रखा है, उसके अतिरिक्त हमारे कई व्यापारी बंधु हैं जो कि अभी काफ़ी अतिक्रमण शहर में कर चुके हैं। ये जो समस्या है, ये बड़े समय से हमीरपुर शहर में है। हम काफ़ी बार गुजारिश भी कर चुके हैं लोगों को कि कृपया अपना सामान जो है वह अपने जगह तक ही सीमित रखें, परंतु लोगों की फिर भी हमें दोबारा बार बार शिकायतें आ रही हैं। आप पत्रकार बंधुओं से हमें काफ़ी शिकायतें इस बारे में प्राप्त हुई, तो इसीलिए हमने नगर परिषद ने किया कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं हम लगातार करते रहेंगे। और आज इसी कड़ी में हमने पहली एक्टिविटी एक मिलकर तहसीलदार साहब और हमारे पुलिस विभाग के सज्जन से की। इसके ऊपर ऐसा है कि पहले भी कई बार इस बारे में चर्चा हुई है, तो थोड़ा सा व्यापारी बंधु भी क्योंकि थोड़ा सा सामान को लेकर इसमें रहते हैं, तो इसमें एक जो इन्हें कंडीशन बड़ी पहले दी गई है व्यापारी बंधु को कि वह नाली तक अपना सामान रख ले, नाली के बाहर ना आए। और इसका अर्थ ये नहीं है कि नाली के बाहर वह कोई बाहर से सब्जी वाले को बिठा दें और एक जो हमारा माल रोड कहे जाने वाला गांधी चौक से लेके भुट्टा चौक तक, उसे आज एक सब्जी मंडी के तौर पे भी कई लोग जानने लगे हैं, तो वो चीज़ तो ये नहीं हो सकती। कितने अतिक्रमण बन रही है, तो मेरे ख्याल से आप भी शायद सभी साथ में थे, तो 8-10 जगह तो हमने अतिक्रमण हटाया ही है। बाकी फिर से हम लोगों से गुजारिश ही करेंगे एक बार, क्योंकि कारोबारी बंदी हम बंधु भी चाहते हैं कि अपना बिजनेस करें। इस तरीके से कई बार इनका बिजनेस भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, जब दोपहर कई बार लोग सामान खरीदने आते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वे कृपया अपनी सीमित में ही रहें और ताकि हमें ऐसी कार्रवाई दोबारा करने ना करनी पड़े। नमस्कार जी, मैं तहसीलदार हमीरपुर। जैसे कि ये साहब ने बताया, अभी यहाँ के कमेटी के नियम का रूल कोई ना कोई पता है, लेकिन मुझे SDM महोदय ने आदेश दिए हैं कि आज एक्शन मजिस्ट्रेट उनका साथ दें और जो अतिक्रमण है उसको शांति बनाए रखने के आदेश है, तो मैं साथ हैं के आप जैसे आप भी साथ थे, तो मेरा आपके माध्यम से आम जनता से यही निवेदन है कि जो भी कानून कायदे कानून बने हैं उनका हर आदमी को पालन करना चाहिए ताकि समाज में शांति बनी रहे। और मेरा कारोबारियों से भी आपके माध्यम से यही कहना है कि वो शांति से अपने नियमों से का पालन करते हुए अपने कारोबार को बढ़ाएं और उससे जनता को भी फायदा होगा और आम समाज में शांति बने रहे। तहसील को नियम अनुसार तो कार्रवाई होगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पहले तो इंसान को खुद ही इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमारा देश और समाज कैसे आगे उठ पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर ऐसा नहीं मानता तो फिर प्रशासन को अपना हथकंडा अपनाना ही पड़ेगा, जो भी कार्रवाई कर रही है सर, उसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। साथ में जो भी हिदायत अब मैंने देनी है वो हम अंदर देंगे। हिदायत दे के छोड़ दिया जाएगा सर? इसके अतिरिक्त क्योंकि काफ़ी जो इसमें वो भी हैं जो रेडी धारक हैं जो कि अवैध तरीके से यहाँ पे बैठे हैं, उनसे रिटर्न में लिया जाएगा कि वो यहाँ पे दोबारा कभी भी रेडी ना लें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।